बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आपको अपने ही चैनल में खुश आमदेद कहता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एजाज अहमद कमर। माशाल्लाह सऊदी अरब से बहुत ही ज़बरदस्त खबर आई है जो कि हज और उमरा ज़ायरीन के लिए है। स्पेशली वो ये है कि जब हमारे पाकिस्तान से, इंडिया, बांग्लादेश या दुनिया के किसी भी मुल्क से कोई हज या उमरा के लिए जाता था तो उनको बाज़ का कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती थी कि उनको कोई मसला आ जाता था हज की अदायगी में या उमरा की अदायगी में, कुछ सवाल पूछना होता था तो उनको समझ नहीं आती थी कि हम अब क्या करें। तो अब क्या किया है सऊदी हुकूमत ने, उन्होंने ये किया है कि कुछ रोबोट्स, वॉकिंग रोबोट्स जो कि रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल किए जा रहे हैं वो छोड़े हुए हैं, उनके नीचे टायर्स लगे हुए, वो चलते हुए ही आपको नजर आएंगे और उनके उनके ऊपर 5G स्पीड का इंटरनेट उसमें दिया गया है और उसमें हेडफोन और उसके अलावा माइक और दूसरे नंबर पे 11 लैंग्वेजेस, यानी दुनिया की 11 लैंग्वेजेस के अंदर उसमें आप कोई भी क्वेश्चन उनसे करेंगे तो वो आपको जवाब देंगे। इसके अलावा उसके अंदर उन्होंने उलामा की जो है ना फतावाज जो है ना सेव किए हुए हैं, अगर आपको कोई फतवा चाहिए किसी किस्म का किसी बात के ऊपर तो वो भी आपको उसका जवाब दिया जाएगा वहाँ पे। तो ये दुनिया की 11 बड़ी लैंग्वेज हैं जिसमें डेफिनेटली उर्दू तो आना ही था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से बहुत ही ज़्यादा तादाद में उमरा के लिए लोग जाते हैं, हज के लिए जाते हैं। आपको मस्जिद नबवी और खाना काबा के अंदर उर्दू लैंग्वेज में लिखा हुआ भी नज़र आएगा कि जो भी मतलब है जगह का नाम है जैसे भी है, बोर्ड्स जो होते हैं तो वहाँ पे आपको उर्दू की इतना ज़्यादा नज़र। इसके अलावा वहाँ पे इंग्लिश है, अरबी है, पर्शियन है, रशियन है, माले है, ठीक है, ये इस बंगाली है, 11 लैंग्वेजेस के अंदर उसका आपको ट्रांसलेशन मिल जाएगी। इसमें वो आप मज़ीद काम कर रहे हैं कि फर्दर ट्रांसलेशन इसकी कोई करना चाह रहे हैं, लेकिन यह स्टेप बाय स्टेप है। फिल वक्त उन्होंने 11 दुनिया की 11 लैंग्वेजेस के अंदर वो सेव किए हुए हैं फतवा। आप जौन सी भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, आप उस लैंग्वेज में क्वेश्चन करेंगे वो आपको बड़ा ही अच्छा और मुदल्लल जवाब देंगे। तो ये बड़ी ही अच्छी खबर थी, आज सुबह ही मुझे ये खबर मिली, मुझे देख के पढ़ के बहुत खुशी हुई। मैंने कहा अपने देखने वालों को, फॉलो करने वालों को ये खबर दीजिए। आपसे एक गुजारिश है कि आप अगर खुद नहीं जा रहे हैं हज या उमरा के ऊपर तो आप किसी ना किसी को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप के ऊपर या फेसबुक पे शेयर कर दीजिएगा, कोई ना कोई आपका देखने वाला, चाहने वाला, जानने वाला ज़रूर जाएगा तो उसको इस सहूलत का पता होगा तो वो इससे फ़ायदा ले लेगा और उसको आसानी हो जाएगी, उससे आपको भी इंशाल्लाह सवाब होगा और इंशाल्लाह हमें भी उसका हिस्सा ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।